Hey everybody, welcome back to my channel Rajveer Fitness Series. This is me Rajveer Sisodia. और जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है 90 डेज की और आज आ गया हमारा डे 9. जैसे कि मैंने कल आपको बताया था बैक एंड एब्स, जैसे कि कल हमने चेस्ट के साथ अपने अपर एब्स किए थे, आज बैक के साथ लोअर एब्स करेंगे, कल शोल्डर के साथ साइड्स करेंगे, फिर बाद में इनको हम सेपरेट कर देंगे बॉडी पार्ट्स एक दिन, हमारे एब्स एंड साइड्स एक दिन. तो आप करते हैं अपना 20 मिनट कार्डियो, देन उसके बाद एब्स, देन उसके बाद बैक. लेट्स गो. सो गाइस, जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा कार्डियो, 20 मिनट्स करेंगे कार्डियो बॉडी वार्म अप करने के लिए, उसके बाद करेंगे अपने एब्स, देन उसके बाद करेंगे अपनी बैक. तो कार्डियो करना है 20 मिनट्स, रुकना नहीं है. कल हमने साइकिलिंग की थी, आज हम कर रहे हैं आर्क ट्रेनर, पूरे 20 मिनट करेंगे, कोई चीटिंग नहीं. एंड देन उसके बाद अपना एब्स, देन अपनी बैक ट्रेन करेंगे. लेट्स गो, 20 मिनट्स. सो गाइस, ये हो गया हमारा 20 मिनट्स कार्डियो. अब इसके बाद शुरू करते हैं अपना एब्स. जैसे कि मैंने बताया कैलोरीज बर्न कर ली हैं, अब अपने एब्स का वर्कआउट शुरू करते हैं, देन करते हैं अपनी बैक. लेट्स गो. तो गाइस, अब हम करने वाले अपने लोअर एब्स. लोअर एब्स के लिए 3 एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा नहीं करनी. जैसे कि मैंने कल बोला था, कल 3 एक्सरसाइज की थी, दो दो तीन तीन सेट किए थे. आज एब्स में पेन है, लोअर एब्स और कर लेंगे तो कल और पेन रहेगा. तो ज़्यादा नहीं करना, बस तीन तीन एक्सरसाइज करेंगे, दो दो तीन तीन सेट्स के साथ. लोअर एब्स के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज आती है हमारी लेग रेज. बिगनर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग थोड़े से बिगनर से ऊपर वाले लेवल पर हैं वो बेंच पे करेंगे. जो लोग बिगनर्स हैं वो अपने हाथ यहाँ रखेंगे हिप्स के पास, एंड देन लेग रेज, 1, 2, 20 reps, 3, 4. पूरा पैर नीचे नहीं जाएगा, हवा में आगे रुकेगा और ऊपर 90 degree, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लाइक दिस. तो गाइस, दूसरा आता है हमारा नी बेंड. नी बेंड में हमें क्या करना है, सिंपल लेटना है, इसके बाद अपने नीज बेंड करना है, देन रिलीज करना है, यहाँ की स्क्वीज करना है, देन रिलीज, 1. नीचे नहीं टच होंगे पैर, ऊपर रहेंगे. रेस्ट में नहीं ले जाना मुझे, मसल को रेस्ट पोजीशन में नहीं ले जाना, यहाँ से वापस, देन लाइक दिस, 20 reps. तीन सेट करेंगे इसके, पूरे रेप्स नहीं कर रहा हूँ मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे. 20 reps, 3 sets each या 4 sets. अब आता है हमारा नेक्स्ट वर्कआउट. तो गाइस, थर्ड वर्कआउट आता है हमारा ऑल्टरनेट लेग रेज. ऑल्टरनेट लेग रेज में हमें क्या करना है, एक पाँव हमारा हवा में रहेगा, दूसरा पाँव हमारा मूव करेगा. इससे हम 20 reps करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. देन सेकेंड लेग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो गाइस, ये थी हमारी 3 एक्सरसाइज, तीनों के तीन तीन सेट करने. कल हमने 3 सेट्स किए थे अपने अपर एब्स के लिए, आज की हमने अपने 3 सेट लोअर एब्स के लिए. तो ऐसे ही वर्कआउट बढ़ता जाएगा स्लोली स्लोली, फिर हम एक दिन में अपर एब्स लोअर एब्स दोनों डालेंगे, एक दिन अलग सेट्स डालेंगे. सो लेट्स गो, करते हैं अपना बैक का वर्कआउट शुरू, कम. तो गाइस, जैसे कि हो गया हमारा एब्स का वर्कआउट, उसके बाद आता है हमारा बैक. बैक के लिए सबसे पहले आई नो चिनअप्स बोरिंग है, बट 4 sets करेंगे 10-10 reps के साथ. और जिन लोगों को ये ज़्यादा लग रहे हैं वो सेट्स कम कर लें, थोड़े से 2 sets कर लें, 3 sets कर लें, लेकिन वार्म अप चिनअप्स के साथ ही करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12 तीन सेट करने, 12 से 15 रैप, 10 भी कर सकते हैं जिनसे नहीं हो रहे। इसके बाद लेट्स गो। तो गाइस फर्स्ट वर्कआउट आता है हमारा बैक में लेट पुल डाउन वाइड ग्रिप। वाइड ग्रिप करेंगे हमारी वी टेपर्ड शेप के लिए। जैसा कि सबसे पहले दिन बताया था, वेट ज़्यादा नहीं लगाना, उतना लगाना जिससे आपसे 20 रैप निकले। वाइड ग्रिप है एंड देन इसको यहाँ ला के होल्ड करना है, बैक स्क्वीज़ करानी है देन रिलीज़ करेंगे, बैक स्क्वीज़ करानी है देन रिलीज़ करेंगे लाइक दिस। 20 रैप्स 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20 रैप मारेंगे, वेट उतना मारेंगे जितना 20 रैप्स लग पाए। इसके बाद चलते हैं हमारा सेकंड वर्कआउट, लेट पुल डाउन क्लोज ग्रिप। क्लोज ग्रिप भी जैसे मैंने बता रखा अपने सेकंड वीडियो में कैसे करना है। क्लोज ग्रिप लेंगे या जिन रॉड जिन जिम्स में ये मशीन नहीं है, रॉड को क्लोज पकड़ेंगे और यहाँ से इसको पुल करना है पूरी एल्बोज नीचे लाइक दिस। 1 नीचे ला के होल्ड करना है, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। 20 रैप्स 4 सेट्स। किसी से नहीं लग रहे हैं पूरे रैप्स तो सेट कम कर ले थोड़ा, 4 की जगह 3 कर ले, 3 की जगह 2 कर ले, लेकिन रैप्स 20 ही मारने हैं। कई लोगों की कंप्लेंट आती है मुझे कि यार आप 20 रैप्स बोलते, 20 रैप्स हो नहीं पाते। तो लाइट वेट के साथ पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद वेट मारना। अब आता है हमारा थर्ड वर्कआउट, लेट्स गो। तो गाइस जैसे कि मैंने अपने थर्ड वीडियो में बताया हुआ है, थर्ड एक्सरसाइज है हमारी डंबल रोइंग। फ्लैट बेंच पर करेंगे डंबल रोइंग। इसको करने की फॉर्म भी मैंने बताई हुई है, कैसे फॉर्म हमें अपनी करनी है। जहाँ हमारा नी होगा, जहाँ हमारा घुटना होगा, पाँव का टो हमारा उसके बिल्कुल इक्वली इनलाइन करेगा और बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी। डंबल लेंगे उतना जिससे 20 रैप निकलें और फेस सामने लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20 रैप्स एक हाथ से करने हैं, एक साइड से करने हैं एंड देन वही पोजीशन लेनी है जहां आपका नी होगा वहां आपका पाँव का पंजा होगा एंड देन लाइक दिस। 1, 2 फेस सामने, बैक स्ट्रेट, पोजीशन आप देख सकते हैं मेरी। 5, 6, 7, 8, 9, 10 तीसरी एक्सरसाइज हो गई, 4 सेट करेंगे, वेट उतना लेंगे जैसे 20 रैप निकलें। अगर 20 रैप नहीं निकाल पा रहे हो तो सेट्स कम कर लो, जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन रैप में चीटिंग नहीं, लेट्स गो। सो गाइस फोर्थ वर्कआउट आता है हमारा सीटेड रो। जैसा कि मैंने अपने फोर्थ वीडियो में बताया हुआ है, मशीन के साथ सीटेड रो करेंगे। इस जिम में सीटेड रो नहीं है, जैसे कि बहुत जिमों में नहीं होती है, तो उसका ऑल्टरनेट भी मैंने बताया था कि कैसे करना है सीटेड रो। अगर आपके जिम में मशीन नहीं है, पुली को लगाएंगे एंड देन अपनी बैक स्ट्रेट रखेंगे और इसको हमें पोजीशन ये लेनी है, स्क्वीज देन रिलीज, स्क्वीज देन रिलीज लाइक दिस। पीछे आके होल्ड करना देन इसको छोड़ना है, 20 रैप्स करने, वेट उतना लगाना है आप 20 रैप निकाल पाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लाइक दिस। 4 सेट करेंगे, 20-20 रैप्स करेंगे, नहीं होते हैं सेट कम कर लें, लेकिन रैप्स 20 ही करने हैं। लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट वर्कआउट। तो गाइस जैसे कि फिफ्थ वर्कआउट आता है हमारा बेंट ओवर, बेंट ओवर रोइंग बोलेंगे इसको। रॉड के साथ करना है, जैसे कि पहले भी पोजीशन बताई थी, रॉड को हमें पकड़ना है और अपनी बैक हमें स्ट्रेट रखनी है और फेस हमारा सामने रहेगा मिरर की तरफ एंड देन लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साइड से पोजीशन देख लें एक बार, 9, 10, 11, 12, 13, 14
15 16 17 18 19 20। इसी पोजीशन मैंने क्या बताई थी कि ये अगर हमारा ग्राउंड है तो ये हमारी चेस्ट होगी, ये दोनों चीज़ें पैरेलल होंगी, एंड देन आप रॉड को रो करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे देन छोड़ेंगे। अर्थ के पैरेलल हमारी चेस्ट होगी। और जैसे कि आता है हमारा नेक्स्ट वर्कआउट कम। सो गाइस, पांच एक्सरसाइज हो गई हमारी अपर बैक के लिए। अब आती है हमारी लोअर बैक। उसके लिए जैसे कि मैंने डे 6 के वर्कआउट में बताया था, हाइपर एक्सटेंशन बेंच पर करेंगे अपनी लोअर बैक के लिए वर्कआउट। इसको हमें कैसे करना है, नीचे जाएंगे ऊपर आएंगे स्क्वीज करेंगे, नीचे जाएंगे ऊपर आएंगे स्क्वीज करेंगे, नीचे देन स्क्वीज, फिर नीचे आएंगे देन स्क्वीज। लोअर बैक को स्क्वीज करना है, स्क्वीज करना है। जिन लोगों को थोड़ा हैवी लेना है वो हाथ में 5 किलो की या 10 किलो की प्लेट लेके भी इसको कर सकते हैं। 20 रैप कर रहे हैं, 1 2 3 लाइक दिस। तो हो गया हमारा आज का वर्कआउट। सो गाइस, ये था हमारा Day9 का वर्कआउट। बैक किया हमने, एप्स किया और हमने अपना कार्डियो किया 20 मिनट्स। तो जैसे कि 90 डेज की सीरीज चल रही है, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, फ्री फूड सप्लीमेंट वाला ऑफर ख़त्म हो चुका है। जिन लोगों ने मुझे फ़ोटोज़ भेज दिए हैं उन लोगों में से एक बेस्ट निकाला जाएगा और उसको मिलेगा 6 महीने का फूड सप्लीमेंट फ्री। और जो लोग अपनी ट्रेनिंग चाह रहे हैं वो लोग मेरी सीरीज से जुड़ जाएँ। जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक ज़रूर करें, और जिन लोगों को मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा नहीं लगता वो मुझे डिसलाइक करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो में लोगों को क्या अच्छा नहीं लगता, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू ऑल। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।